माहौल एक तरफ है भाई, सुशील गुप्ता 11:30 बजे किलकी मार दे भाई। सरकार तो 5 साल में बदलनी चाहिए, 10 साल तो घने लाई जिन्हें ये सरकार में तो बिल्कुल नाराज आई तो बन दिन देखो नहीं मारी चाली थी। माहौल तो बीजेपी का ही है भाई, बीजेपी का। हाँ वैसे हमारा काम का 80-20 है, 80% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और 20% अदर रह गए सारे। कटोरा ठुआ दिया जी हाथ में, मैं तो आलू गंठे बेच के रेडी लेकर टाइम पास कर रहा था अपना, उस हेल्थ भी खो दिया। यहाँ तो भाई सुशील गुप्ता माहौल लगा हूँ मैं तो इस टाइम तो। हम लोग कांग्रेस का हैं, कांग्रेस का। हाँ जी, बीजेपी सही है, बीजेपी सही है। किन्नू पलटिया माहौल तो आगे देखो किसके भाग है। नमस्कार, सिरदा गांव का चुनावी माहौल जानने के लिए आज हम गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव की तारीख है नजदीक आ चुकी है, तो अब सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। तो इन ग्रामीणों से भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल ये देखते हैं इनके गांव का और क्या कुछ इनके विचार हैं, तो आइए जान लेते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? वेद प्रकाश जी। जी, तो कौन सी सरकार बनाना चाहोगे अब लोकसभा चुनाव में? हम लोग कांग्रेस चाहोगे। कांग्रेस चाहोगे। हाँ जी। ये मतलब किस तरीके से कांग्रेस चाहो आप? भाई जो ये गुप्ता जी आ रहे हैं तो ये गठबंधन की सरकार। अच्छा, तो हम इसको कह रहे हैं जी। तो कैसे पसंद है आपको गठबंधन की सरकार? ये जी देख लिया मोदी, 10 साल हो गए जी। अच्छा। हाँ जी, तो लेकिन और कोई विकास नहीं है जी। अच्छा। हाँ, सारे परेशान है लोग जी। हाँ, रोज एक कागज लेकर, रोज कदे राज कद कैथल कद अड्डा वे, कदे बस स्टैंड वे, कदे फोटो स्टेट वाला वे, तो सारा दिन फिरते रहे जी। आपके हल्के की तो मंत्री भी थी, अब उसने भी कोई विकास नहीं किया जी। मंत्री रहे? हाँ जी। आई नहीं नहीं उड़े सकल भी दिखाई। अच्छा। हाँ जी। काम वगैरह नहीं, कोई काम कोसे काम में नहीं, जितना जो कल्याथ हल्का है वो भी एक हल्के में गांव में कड़ी भी कोई काम नहीं किया जी। अच्छा। हाँ जी जी। तो प्रधानमंत्री किसने देखना चाहो? प्रधानमंत्री जो कांग्रेस का जो निर्णय ले होगा जो प्रधानमंत्री होगा जी। गुप्ता जी के साथ? हाँ जी, हम तो गुप्ता जी के साथ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रमेश कुमार जी। आप क्या कहोगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ विचार है आपके, किस तरह आपके गांव का माहौल है? भाई सरकार तो 5 साल में बदलनी चाहिए, 10 साल तो घने लाई जिन्हें। अच्छा। कारण? कारण तो बदलनी चाहिए 5 साल के बाद, ठीक रहा फिर तो इनका गमंड हो जाएगा ना। तो जी आपके गांव का माहौल क्या कुछ है? माहौल ठीक है हमारा, गुप्ता के वोट ज्यादा है। गुप्ता के साथ किस तरह, मतलब जैसे आपके यहाँ इलाके की बात करें, यहाँ तो मंत्री भी आपके इलाके ना, कुछ नहीं को विकास कार्य कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होया। अच्छा। जी उतार के सारे लोग वोट कौन देंगे? क्यों बस इन पर काम नहीं बने, कुछ नहीं बने। आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या खास बात दिख रही है आपने? देखो पंजाब में सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है, दिल्ली में सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो सही उम्मीदवार हमारा सुशील गुप्ता वोट देंगे। अच्छा। नवीन जिंदल भी है भाजपा का उम्मीदवार? नवीन जिंदल तो फिर वो गलत हो गया सिस्टम। अच्छा। वैसे जी कांग्रेस दान था फिर तो ठीक था, तो दल बदल पलटी होगी, इसने पहला उस्मान कोला गड्डा फंस गया, फिर कब ठीक हो गया, फिर ये ठीक नहीं बात। राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? ईश्वर है जी। आपके क्या कुछ विचार है? इन की तरह जी, मैं भी इन्हीं की तरह। इनके साथ वैसे लगे हो या ना? मैं कांग्रेस ने बना के रख दिया। अच्छा। इसे तंग आ लिया हमें। क्यों तंग आ लिए? कुछ काम नहीं होगा ना? कोई काम नहीं हुआ हमारा। अच्छा, क्या काम थे आपके बताओगे जो हुए नहीं? ना तो हमारी जो किसानी की मांग थी वह माननी ने उल्टे मार भगोड़ी चलाई, रास्ते रोक के कील तार लाई, हम तो ज्यादा इस तरह नाराज हाँ। अच्छा। इस सरकार पे तो बिल्कुल नाराज है, इसने तो बन दिन देखो नहीं मारी चाली थी, और इनके मंत्री ने बल्कि लाठा लिया थे पूरा पैजाम नहीं। अच्छा। मंत्री से भी नाराज हुआ? नाराज हाँ सारे जी, क्योंकि मंत्री में तो ज्यादा पावर हो है, कुछ विकास वगैरह सिरदा में कुछ विकास कुछ नहीं जमा कुछ नहीं करया। अच्छा। हाँ गए थे गांव के? गांव के गए थे पानी कढ़ाने, बदल में बोली मैं पानी नहीं कट दी। अच्छा। ना पानी कटने की मेरी उम्र रह रही है। अच्छा। साफ जवाब देगी। किस चीज का पानी कढ़वा रहे थे? जोड़ा कढ़ावा थे। गंदा पानी है? गंदा पानी हाँ। निकासी तंग है? हाँ तंग। तो मतलब नवीन जिंदल? नवीन जिंदल तो डंडा देगा खड़ा करके बे मतलब का। हाँ। तो प्रधानमंत्री किसने बनाओगे जी? जिन्हें कांग्रेस चाहेगी। जिन्हें कांग्रेस चाहेगी। मोदी के बारे में क्या विचार है? मोदी तो झूठा है, वो 15 लाख दे गया जज्बा से वोट का आया नहीं मारा नहीं। अच्छा। आ लिया आपके खाते में 15 लाख? आ लिए 15 लाख आ लिए, वोट का और देगा ये। तो पहला ऐसा हमें जो वोटर मिल गया जिसके खाते में 15 लाख आ लिए बता रहे हैं, आ लिए पक्के? आ लिए 30 हो गई 15 ही देगा। राम राम जी। राम राम भाई जी। क्या नाम आपका? करमवीर है भाई जी। क्या काम करो जी आप? किराने की दुकान है अपनी। किराने की दुकान। हाँ जी। तो किस तरह का माहौल है यहाँ सिरदा का? यहाँ तो भाई सुशील गुप्ता माहौल लगा हूँ मैं तो इस टाइम तो। मतलब सभी सुशील गुप्ता के साथ? हाँ। इनके साथ बोल रहे हो या? नहीं वैसे आपके विचार है? हाँ भाई। क्यों बदलाव चाहते हो आप लोग? सरकार बदलनी चाहिए भाई साहब, 10 साल हो ली सरकार को, ये बदलनी चाहिए।
सरकार बदलेगी तो विकास होंगे, सरकार एक रहोगे विकास नहीं होंगे। जी जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? सत्यवान है जी। आप क्या काम करो जी? जी स्कूल में लाया गया हूँ कच्चा उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे जी, 6 महीने तनख्वाह हो गए मिले जी, बच्चे भूखे बैठे हैं, परमट था वो कट गया जी, बाकी तुम तो नौकरी पे 12,000 पैड़े मिले साल में उसमें 6 महीना में जी, और 6 महीने हो गए जी तनख्वाह मिले। अच्छा। कटोरा ठुआ दिया जी हाथ में, मैं तो आलू गंठे बेच के रेडी लेकर टाइम पास कर रहा था अपना, उस हैल से भी खो दिया। सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दे दिए, रोजगार दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म कहाँ कर दिया जी? कॉन्ट्रैक्ट तो चल रही है जी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होया और ड्यूटी पे जा रहे हैं, ना तनख्वाह मिल रही जी। मतलब वैसे लग रही है कौशल विकास में लगे थे आप? नहीं ठेकेदारी में लग रहा हूँ जी, ठेकेदारी में लग 2018 से लग रहा हूँ जी, आज तक जी मैं तो जमा लाखों रुपए तो सिर हो गया जी मेरा, बच्चे सियाने हो रहे हैं, बुरी हालत हो रही है जी बिल्कुल। मतलब कोई लाभ वगैरह मिला नहीं? लाभ कुछ भी नहीं मिला जी, लाभ के जमा में तो 2-2 रुपए मांग मांग के जी लोगों पे छिक लिया जी। अच्छा। बुरी हालत हो रही है जी, वोट जी और किसी को देंगे जी, काम नहीं होया जी मेरे को, जो इतनी कैली हो रही है जी, 6 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, दुर्दशा होगी मेरी क्या? या तो लगाने ही नहीं थे सरकार ने, लगाओ मत, जब ये पैसे देने में असमर्थ हैं, तनख्वाह देने में असमर्थ हैं कच्चे कर्मचारी की। तो जो सांसद है सुशील गुप्ता नवीन इंद्र यादव चौटाला, सर वो तो टाइम बताएगा जी, वो तो समय के अनुसार देख लेंगे जी अभी। हाँ जी ठीक है। राम राम। क्या नाम है? नरेश कुमार है जी। क्या कहोगे शेरता गांव का चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ गांव में पहुंचे हैं, तो किस तरह का माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ही है भाई, बीजेपी का। हाँ पहला कैंडिडेट ऐसा मिला बीजेपी का, बोल रहे थे ऐसे कह रहे हो आप बीजेपी का? भाई सारे वोट ने बीजेपी की देंगे, बढ़िया काम करे इन्हें। क्या कुछ काम आपने बढ़िया लगे? सारे बढ़िया काम लग गया। बताओ एक आधा बताओ। राशन कार्ड बन गए किसों के भाई, बाकी जितना सिस्टम चल रहा सही है भाई। अपाई था इसका रिक्शा मिली 16 तो हमारा रिक्शा आई है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ और घर बैठे ने मिली है, पहले मिले नहीं किसी ने कुछ। और क्या कुछ काम हो रहा है? गाँव में भी काम का भी बढ़िया काम हो रहा है, गलियां के भी काम हो गए, बाकी जो ये बाईपास है ये भी बन गए। नवीन जिंदल को लेकर क्या कहोगे बीजेपी का? नवीन जिंदल बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया नेता है, पहले भी बनाया कई प्लान, ये फिर बनावांगे। अच्छा गाँव का माहौल बढ़िया है जी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। कौन सा फोन ले रहे हो? ओप्पो। ओप्पो का ले रहे हो? हाँ A53 जी। तो गांव सिरता का चुनावी माहौल जानने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा जी। के कुछ माहौल है आपके गांव का? वैसे हमारा गांव का 80-20 है। 80 किसका? 80% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और 20% अदर आएंगे सारे। अदर आएंगे सारे। हाँ जिसमें बीजेपी भी आएगी, BSP सारी पार्टी आएंगी। अच्छा। हाँ तो 80-20 कैसे बताया आपने? 80-20 तो क्योंकि कुछ तो इस सरकार की नीतियां था, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है जनता, हद से ज्यादा परेशानी। एक जिम्मेदार जिम्मेदार नहीं, सारे वर्ग परेशान है भाई साहब। अच्छा। हाँ कारण नहीं है, काम भी बहुत हो है, नहीं काम हो है कुछ, थोड़ी बहुत ही नौकरी नाकरी में निष्पक्षता आई है सरकार में, लेकिन भाई साहब फिर और सारा सौदा बंटाधार कर दिया। एक नौकरी नौकरी से तो काम नहीं चलेगा। नहीं आपके चाहो आपकी उसमें कौन से काम होने चाहिए? मेरा उसमें होना तो क्या चाहिए, एक सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई का। अच्छा। हाँ महंगाई एक छत्ती बिरादरी के लिए ना, कि एक जमींदार के लिए, किसान के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। हाँ। तो कैंडिडेट सुशील गुप्ता नवीन जिंदल लगा चौटाला कौन सा ठीक लगा हमारे लिए? तो सुशील गुप्ता जी बेस्ट है। सुशील गुप्ता। हाँ बिल्कुल। ये कुछ खासियत दिखी सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता जी देखो खासियत तो बरते मेरा पटा, बाकी जो उनके विचार है ना बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? मेरा नाम शिव है भाई। किस चीज की दुकान है? मोबाइल शॉप है भाई। मोबाइल शॉप है। हाँ। तो आपके गांव में लोकसभा चुनाव को लेकर आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, किस तरह का माहौल है बताओगे? माहौल एक तरफ है भाई, सुशील गुप्ता 11:30 बजे किलकी मार दे। अच्छा कैसे कह रहे हो आप? कैसे कह रहे हैं एक तरफा माहौल है सारा कुछ। एक तरफा किस तरह है? मतलब एक तरफा न्यू है भाई, जी उतर रही है इस सरकार का, हर वर्ग दुखी है, हर प्रकार का, हर बंदा गरीब मजदूर हर बंदा दुखी है इस सरकार का। जिन से मतलब ये इतने इतने करोड़ों घोटाले करके बैज रहे हैं, उन्हें टिकट देते और हमारा सिर को ऊपर मारे बाबू बनाया थोपन लग रहे हैं, तो इस तरह कैंडिडेटों का हमने नफरत है। रही ऊपर सेंटर की सरकार, जिन से बलात्कारी है उनका साथ देगा, उन्हें टिकट देगा, खड़े कण लग रही है उनका नाम पर वोट मांगा है, तो ऐसी सरकार में हमने चंदी। अरविंद केजरीवाल भी जेल में है भाई, वो तो फिर साजिश के तहत गेट रखे मेरे भाई, साजिश के तहत गेट रखे। जो सा भी बंदा इसका शाही बोला है, ईडी इसकी, CBI इसकी, तो जिसका जी अगर अपना तानाशाही चल रही है उस दिन अपना जेल में गेट रखे। मंत्री थी आप कल के जी का भाई, उस तिमारे कोई काम नहीं कराए, हल्का सब तो पिछड़ा है। आज भी हरियाणा में के मैं कहूँ पूरा मतलब कि उत्तर भारत में सब तक पिछड़ा इलाका क्लैतो हमारा। अच्छा। इसका कोई किसों की कुछ नहीं करया, भावनात्मक तौर पे वोट ले जाए ना, उरा कोई बड़का देखता ना कुछ करता, निरोले जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। इससे पहले जैसे विधानसभा की बात करा, किसकी दी थी आपने? मंत्री की दी थी?
आज तो पहला मंत्री की दे दिया और ऊपर भाई मोदी की 2014 में भी 19 में भी प्रधानमंत्री भाई राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी हाँ राहुल गांधी बिल्कुल ठीक है, युवा भी है वो तो कहने का युवा ले ले उसका एक चुटकला है खुद हो चुके 73 साल का है और 70 साल के बुजुर्गों ने न्यूक है जे न्यूका यू तारा बेटा न्यूका है हमने रोटी पानी का पूरा इंतजाम करके देगा। एक बात 70 साल का बूढ़ा 74 साल का बेटा कुकर हो गया है ये इस तरह जुमलेबाजी तो लोग तंग आ रहे हैं परेशान होली सारे वर्ग दुखी हैं। ग्राउंड लेवल पे यही रिपोर्ट है असली तो भाई इंडिया गठबंधन दिन खड़े से जीत रहे और सुशील गुप्ता दौरे 11:30 बजे किलकी मार दे बम फोड़ दिया। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राजा नाम है जी। जी तो क्या कहोगे किस तरह का माहौल है आपके गाँव में यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो सारे का अच्छा कौन से का इन तीनों पलटिया माहौल तो अच्छा अभी आगे देखो किसके भाग है ज्यादा किसका किसकी बात चला है किसकी बात चला है गुप्ता जिंदल या अभय चौटाला चल रहे तीनों की है तीनों की कौन सा कैंडिडेट जीतेगा यहाँ देखो भी कौन सा जीतेगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुभाष है जी। अच्छा क्या काम करोगे? आएगा। अच्छा क्या कुछ विचार है आपका गांव सिरदा में पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी ठीक है कौन से कैंडिडेट सही है? बीजेपी सही है। बीजेपी सही है कैसे सही बता रहे हो? बढ़िया काम कर रहे हो। कौन से काम बताओगे तुम्हें? काम हो रहा स्कूल बनाए दिए हाईवे काट दिए और काम मांगे तोड़े मार रहे हैं। है? कैंडिडेट कौन सा ठीक लगा है? सुशील गुप्ता नवीन जिंदल अभय चौटाला जिंदल है गांगे चटाले दे। अच्छा जिंदल में की कुछ खासियत लगी है? जिंदल बगल मन सको ने कैसे जी बढ़िया है बढ़िया काम करा। अच्छा क्या कुछ विचार हुआ ठीक लगा काम जिंदल के? और बादशाह बड़े काम करे ना। अच्छा क्या कुछ काम हो यहाँ पे काम में? मेरे काम करे मेरे कन्यादान दिए लोगों की बहुत दवाई बट्टी सेवा करी लोगों की। गांव में कितनी के मतलब कितनी की वोट है और क्या कुछ माहौल है पार्टियों का अगर बात करें जिंदल की जगह कह रहे जिंदल की बहुत है वोट है। अच्छा वोट टोटल कितनी है गांव में? गांव में तो होंगे मेरे ख्याल 5-6 हजार हो तो सारी। अच्छा ये कुछ बात चल है लोगों की थोड़े बहुत चटाला भी लेगा कुछ और झाड़ू वाला भी लेगा। अच्छा ये भी लेगा जिंदल भी ठीक है इस समय तो अगड़ी जानता नहीं हो ज्यादा पैसे ठीक है।